जय हिंद। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की मैं अपनी खुद की कहानी बताऊं? स्वतंत्र लोकतंत्र के किसी भी उत्सुक नागरिक की तरह मैं भी सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंची थी, और जो उत्साहपूर्ण माहौल था वैसा मेरी आंखों ने बचपन में समझ आने से लेकर और अब तक नहीं देखा था। क्रांति के सुंदर गाने, कतार में लगकर चाय और रोटी लेते हुए हर जाति और धर्म के लोग, मेरे देश का चलता फिरता रंग बिरंगा लोकतंत्र वहां पूरे उठान पर था। सब मुस्कुरा रहे थे, भीड़ में धक्का मुक्की तक नहीं थी। एक अनरिटन डिसिप्लिन था सबके अंदर, ना कोई राग, ना द्वेष और ना आक्रोश, बस सबकी आंखों में एक अलौकिक आनंद और उम्मीद थी। जिसने भी वो आलम देखा बस अभिभूत होकर देखता ही रह गया था। मन तब और भी भावुक हो उठा जब रैली शुरू होने के समय यानी 11 बजे के बाद से सड़क के दोनों तरफ के घरों से महिलाएं, पुरुष और बच्चे निकलकर ट्रैक्टर और ट्रॉली पर बैठे लोगों को सल्यूट कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे राजपथ पर करते हैं। हमारा भारत उस समय वहीं खड़ा था, खुद पर शायद गर्व भी कर रहा था। कुछ उत्साही लोग दोनों तरफ पीने का पानी और फूल लेकर खड़े थे, पानी पिला रहे थे, फूल बरसा रहे थे। माहौल में गेंदे और गुलाबों की खुशबू थी, और मैं भाई दिलदीप का तिरंगा लहराता ट्रैक्टर चलाते हुए पत्रकार फ्रेंड मयंक, जुलेखा और विशेष के साथ बात करती जा रही थी। पूरा रास्ता खुला हुआ था और हमारे आगे चल रहे कुछ ट्रैक्टर्स के अलावा रास्ता खाली भी मिल रहा था। बस तभी मयंक ने अपने लाइव कवरेज में कहा कि हम दिल्ली की सीमा के अंदर आ चुके हैं, और लगभग उसी समय दिलदीप को कोई फोन आया और उसने बात करने के बाद मुझसे कहा कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैंने ट्रैक्टर साइड में लगाया और फिर रिवर्स में लेकर हम कट तक पहुंचे, और वहां से फ्लाईओवर के नीचे आकर वापस गाजीपुर बॉर्डर की ओर यू टर्न लिया। लेकिन थोड़ा आगे जाकर जानते हैं हमने क्या देखा? पुलिस ने लौटने के रास्ते पर DTC की 2 बसेस लगाकर रास्ता रोक रखा था, यानी कि गलत रास्ते की ओर जाते समय कोई बैरिकेड्स नहीं थे और सही रास्ते पर मुड़ने ना देने के लिए रास्ता रोका हुआ था। हम तो दिल्ली के बारे में जानते थे तो जल्दी लौट लिए, लेकिन जो किसान दिल्ली इसी परेड के लिए आए थे उनसे चूक होना लाजमी था, और दिल्ली पुलिस का कोई इंडिकेटर या मार्गदर्शन था ही नहीं। इस आपबीती को आज कहना इसलिए जरूरी है कि आप जाने कि ये सिर्फ एक समझा बूझा ट्रैप था किसान आंदोलन को तोड़ने का, और किसानों का दुर्भाग्य कि वे इस ट्रैप में फंस भी गए, यानी इस बार तथाकथित चाणक्यों की साजिश कामयाब रही। इसमें पुलिस ने तो किसानों से अंडरटेकिंग ली थी, लेकिन अपनी तरफ से पुलिस की मार्ग में क्या व्यवस्था रहेगी इसका कोई कमिटमेंट जाहिर तौर पर ना तो देखने में आया, ना एक नक्शे के अलावा कोई और दस्तावेज प्रचारित या पब्लिश हुआ। बहरहाल लाल किले की पूरी घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इतिहास में कलंक की तरह दर्ज हो गई है, लेकिन इसकी साजिश करने वालों ने देश की अस्मिता के बारे में तो सोचा ही नहीं। उनका लक्ष्य ही किसान को देश की नजरों में नीचा दिखाना था और आंदोलन को एक बारगी जैसे कुचलना था, और कम से कम प्रथम दृष्टया वे इसमें कामयाब हुए भी दिखते हैं। यानी लोकतंत्र में एक बार फिर एक षड्यंत्र हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ, लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ, और इतिहास में एक गणतंत्र दिवस दूषित हो गया। किसान के कंधे से बंदूक भी चल गई और किसान ही घायल भी हो गया। इस तरह की साजिशें आज लोकतंत्र में निहत्थे का शिकार करवा रही हैं, और हम मानसिक रूप से शिकार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। हो सके तो इस पहलू पर भी विचार कर लें। मुझे यकीन है आप विचार भी कर सकेंगे और दिल में कहीं विश्वास भी होगा इस सच पर। बस सिर्फ 3 दिन अगर सुबह थोक में आने वाली बीजेपी की IT सेल की पोस्ट ना पढ़ें तो पूरा सच भी देख पाएंगे हम और आप। आखिर हम सब इसी मिट्टी के लोग हैं, इसी गंगा जमुनी तहजीब ने हमें पाला है, हम कर पाएंगे दूध का दूध और पानी का पानी।